अस्सलाम वालेकुम, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशंस बनाने की और वो भी प्रेजी पे। पिछली दफ़ा हमने देखा कि प्रेजी प्रेजेंटेशन होती क्या है, उसको लिखने के क्या तरीके होते हैं। अब हम एक्चुअली प्रेजी प्रेजेंटेशन की वेबसाइट पे जाके एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं। पिछली दफ़ा हमने दिखाया था आपको कि प्रेजी प्रेजेंटेशन पे जाते कैसे हैं। एक दफ़ा फिर और देख लेते हैं, prezi.com 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 पे हम जाते हैं। वहाँ पर या आप गेट स्टार्टेड में एक पैकेज ख़रीद सकते हैं या लॉगिन कर सकते हैं अपने फेसबुक के ज़रिए, गूगल के ज़रिए या एक अकाउंट लेकर। आपने देखा था कि मैं अपने फेसबुक के ज़रिए लॉगिन हुई थी, दे हैव माई इन्फॉर्मेशन। और अब हम बना रहे हैं एक नई प्रेजेंटेशन, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑन अ न्यू प्रेजेंटेशन। थोड़ा सा टाइम लेती है प्रेजी जो है उसको अपलोड करने में। अगर आपकी बैंडविड्थ अच्छी है तो जल्दी खुल जाएगी, अगर स्लो है तो टाइम लेता है। अच्छा, सबसे पहले तो हम चूज़ करेंगे कि जी हमें अपना टेम्पलेट कौन सा चाहिए। जब आपको प्रेजी बहुत अच्छी तरह आ जाएगी, इसके पूरे पूरे सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, आप ट्यूटोरियल्स करें, मगर जब आपको पूरी तरह ये आ जाएगी तो आप अपने टेम्पलेट्स में भी बना सकते हैं, अपने भी काम कर सकते हैं। बट इनिशियली इट इज़ ऑलवेज़ अ गुड आइडिया कि जो उन्होंने टेम्पलेट्स आपको दिए हुए हैं आप उन्हीं को इस्तेमाल करके अपनी प्रेजेंटेशन बनाएं। सो सम ऑफ़ द पॉपुलर वंस आपने देखा होगा, एग्जामिनेशन है, असेंबली है, एक्सप्लेनेशन है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो हम देखते हैं जी बैलेंस का, एंड वी यूज़ दिस टेम्पलेट। बात हो रही है बैलेंस की और आपने दो चीज़ों में बैलेंस करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट बैलेंसिंग वर्क लाइफ, यानी कि जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है उसके बारे में बात करते हैं। हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो वर्क लाइफ बैलेंस हमने उसको एक टाइटल दे दिया। अब वो कह रहे हैं कि जी आपके पास एक सब टेक्स्ट, सब टेक्स्ट क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द सब टेक्स्ट टू योर होल थिंग। सो यू गॉट योर टाइटल, मेन टाइटल, इसको एक एक्सप्लेनेशन भी हमें देनी है। वर्क लाइफ बैलेंस, हम वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर अब वो मुझसे सब टाइटल मांग रहा है। हमने हेडिंग तो दे दी वर्क लाइफ बैलेंस की, मगर वर्क लाइफ बैलेंस के बाद ज़रूरी है कि हम एक्सप्लेन करें कि हम वर्क लाइफ बैलेंस के कौन से एस्पेक्ट को या कौन सी उस चीज़ को के बारे में हम इस पूरी प्रेजेंटेशन में बात करेंगे। तो हम इसको करते हैं कि जी मेंटेनिंग ए हेल्दी बैलेंस बिटवीन वर्क एंड फैमिली। तो हमारी ये एक सब टाइटल है कि हमारा जो वर्क लाइफ बैलेंस एक बहुत बड़ा सा सब्जेक्ट है, मगर विद इन दैट हम ये कह रहे हैं कि आप एक हेल्दी बैलेंस अपने काम और अपने ख़ानदान के साथ कैसे बना सकते हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्यों ज़रूरी हैं, उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारा पहला ही, अभी वी आर जस्ट ऑन आर फर्स्ट स्लाइड, और यहाँ पर अब वो जूम इन कर गया। सो व्हेन वी क्लिक इन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रेजी में होता यही है कि वो सारी चीज़ें एक पेज पे होती हैं, मगर जब आप क्लिक इन करते हो तो वो एक्सपैंड हो जाती है, वो फ़ौरन आपके सामने आ जाती है। आपको ये पता होता है कि आप इसके बारे में बात कर रहे हो, दिस इज़ द पॉइंट दैट इज़ बीइंग हाईलाइटेड। तो दैट इज़ द वंडरफुल थिंग अबाउट प्रेजी, दैट देर विल बी लॉट्स ऑफ थिंग्स बट इट अलाउज़ यू टू जूम इन टू वन एंड देन अनदर एंड अनदर, एंड इट अलाउज़ यू टू मूव फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर। यानी कि अब आप एक चीज़ के ऊपर बात करें तो वो जूम इन हो जाता है, फिर आप दूसरी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो वो जूम इन हो जाएगा। और यही बहुत एक मज़े की चीज़ प्रेजी के बारे में। अब वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वर्क इज़ इक्वल टू मनी। अब इस साइड पे हमने कहा कि जी काम करेंगे तो पैसा आएगा, इसीलिए काम ज़रूरी है, ठीक है। और हम यहाँ पर लिखते हैं मोर वर्क विल मीन मोर मनी, ठीक है जी। अब हम इसको यहाँ पर आ जाते हैं और इसको हम यहाँ पर कहते हैं, जो एक इसके साथ की बात है, इसी से रिलेटेड बात है, मगर वर्क के ही बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसकी जो हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी इधर हमने मेन बात की वर्क इज़ इक्वल टू मनी, मोर वर्क विल मीन मोर मनी एंड वर्क इज़ इक्वल टू
career growth. यहाँ more work will mean career progression. यानी कि हम अपने करियर में अगर हम काम ज़्यादा करेंगे तो हम अपने करियर में ग्रो करेंगे, हम अपने काम में ग्रो करेंगे, एक प्रोफेशनल के तौर पे ग्रो करेंगे. तो अब हम दूसरी साइड को देखते हैं और हम वापस इधर आते हैं और हम कहते हैं कि जी अब हमने बैलेंस देखना है फैमिली का. सो वर्क इज़ इक्वल टू मनी, देन व्हाट इज़ फैमिली इक्वल टू? फैमिली इज इक्वल टू इमोशनल वेल बीइंग. ठीक है जी, अगर ख़ानदान होगा तो हम इमोशनली हेल्दी होंगे, हमारे पास एक सपोर्ट होगी, हमें प्यार करने वाले लोग होंगे और हम लोगों को प्यार करेंगे, तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस, अ लॉट ऑफ लव एंड अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन देयर. सो जो रिलेशनशिप्स हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं, वो ख़ानदान से बनेंगी. तो हम यहाँ कहते हैं इफ वी स्पेंड टाइम विद फैमिली वी विल हैव हेल्दी रिलेशनशिप्स एंड हेल्दी हार्ट्स. ठीक है जी, और अब हम अगले वाले पॉइंट पे आते हैं और जो हमारा सब पॉइंट है वो आ गया जी, फैमिली इज इक्वल टू, हमने पहले बात की इमोशनल वेलबींग की, अब हम बात करते हैं सपोर्ट की. यानी कि फैमिलीज़ हमें एक सपोर्ट देती हैं, वो चाहे इमोशनल सपोर्ट हो, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, सोशल सपोर्ट हो, वो एक सपोर्ट सिस्टम जो है वो फैमिली से आता है. तो यहाँ पर हम लिखते हैं इफ़ वी स्पेंड टाइम विद फैमिली वी विल हैव देयर सपोर्ट. तो आपको ज़िंदगी में अकेले नहीं रहना पड़ेगा, इस ज़िंदगी को अकेले फेस नहीं करना पड़ेगा. तो अगर हम प्रेजेंटेशन को देखते हैं, यहाँ पर फुल स्लाइड अगर देखते हैं, तो अब आपको पूरी जो स्लाइड है वो इस तरह नज़र आती है, वर्क लाइफ बैलेंस, मेंटेनिंग अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन वर्क एंड फैमिली. आपने उसको दो साइड्स उसके आपके पास हैं, एक साइड में काम है, एक साइड पे फैमिली है, और इसको आप अपनी जो बात है इस विजुअल के साथ एक एक करके आप क्लिक करेंगे, जूम इन हो जाएगा, फिर जूम आउट हो जाएगा जिस तरह आपने पहले देखा.